नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि इस देश में एक ऐसी संस्था है जो जब चाहे आपकी जमीन, आपके मकान, आपकी किसी भी संपत्ति पर कब्जा कर सकती है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपका जवाब होगा कि शायद ये संस्था सरकार होगी। लेकिन नहीं, ये एक धार्मिक संस्था है जो भारत में किसी के भी जमीन और मकान पर कब्जा कर सकती है और आप कुछ नहीं कर सकते। एक ऐसी संस्था है कि जिसका किसी भी कोर्ट में सुनवाई नहीं होती। अगर उसके खिलाफ कोई शिकायत करनी है तो आपको स्पेशल ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता है। स्पेशल ट्रिब्यूनल में जजों की संख्या नहीं है, कोर्ट बहुत कम है, लिहाजा आप दर दर की ठोकरें खाते रह जाएंगे, आपकी सुनवाई कहीं नहीं होगी। उस संस्था ने 2017 के बाद इस देश में 2,00,000 एकड़ संपत्तियों पर कब्जा कर लिया और कोई कुछ नहीं कर सका। एक ऐसी संस्था जिसके पास रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन है, लेकिन कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका। पता है क्यों? क्योंकि भारत सरकार का एक कानून है और कानून कहता है कि वो संस्था कुछ भी कर सकती है, किसी के भी जमीन पर कब्जा कर सकती है, किसी के मकान पर दावा कर सकती है, लेकिन आप कर कुछ नहीं सकते, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। और उस संस्था का नाम है वक्फ बोर्ड। लेकिन अब यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। वक्फ बोर्ड 1995 का जो अधिनियम है उसमें संशोधन के लिए राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया गया। यह प्राइवेट मेंबर बिल है जिसे बीजेपी के हरनाथ सिंह ने पेश किया। इस पर वोटिंग हुई। बिल पर बहस हो या ना हो, इसे लेकर जो राज्यसभा के उपसभापति हैं जगदीप धनखड़ और जयराम रमेश के बीच तीखी नोकझोंक हुई। जयराम रमेश का कहना था कि आप मुसलमानों की संस्था के खिलाफ चर्चा का प्रस्ताव कैसे दे सकते हैं, ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। जगदीप धनखड़ ने कहा कि जो मेंबर कहेंगे वो होगा। बहस हुई, वोटिंग हुई। बिल पर बहस हो, इसके पक्ष में 53 वोट पड़े और बहस न हो, इसके पक्ष में 32। यानी प्राइवेट मेंबर बिल पेश होगा, अब बहस होगा। जमीन पर मनमाना कब्जा, धर्म के नाम पर कुछ भी नहीं चलेगा इस देश में। पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। क्या है वक्फ बोर्ड एक्ट, कैसे लागू हुआ, कितने जमीन पर कब्जा किया, 1500-1500 साल पुराने मंदिरों पर कैसे इसने कब्जा किया, कोई कुछ नहीं कर सका, वो सारी बातें बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, एक आंकड़ा बताता हूं, और अगर आपकी आंखें फटी की फटी न रहे तो आप बताइएगा। मैंने पहले ही बताया कि रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी संस्था के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास। वक्फ बोर्ड के पास देश भर में, जी हां, पूरे देश भर में 8.5 लाख रजिस्टर्ड संपत्तियां हैं। पॉश इलाकों में, यहां तक कि उपराष्ट्रपति के भवन के अंदर भी, सिर्फ बंगाल में वक्फ बोर्ड के पास 70,000 से अधिक संपत्तियां हैं। पंजाब में 72। इस तरह देश के अलग अलग हिस्सों में इनकी संपत्तियां बेशुमार हैं, उससे किराया आता है, लेकिन हिसाब किताब नहीं देना पड़ता किसी को, नहीं उनके खिलाफ शिकायत नहीं हो सकती। कल को अगर वक्फ बोर्ड कह दे कि आपका मकान वक्फ बोर्ड की संपत्ति है तो आप नाक रगड़ कर मर जाइएगा, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि केस की सुनवाई स्पेशल ट्रिब्यूनल में होगी। स्पेशल ट्रिब्यूनल की संख्या बहुत कम है, वहां जजों की संख्या बहुत कम है, आपका जब तक नंबर आएगा तब तक आप घिस घिस कर मर जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये है इस देश का असली लोकतंत्र। एक कहानी है, कहानी ये है कि वक्फ बोर्ड बना कैसे और वक्फ होता क्या है। वक्फ का मतलब ये कह सकते हैं कि मुसलमान दुनिया भर में जो भी ज़कात करते हैं या जो धर्म के नाम पर जो भी दान पुण्य करते हैं उसे ज़कात कहा जाता है उर्दू में, वो संपत्ति वक्फ के पास चली जाती है और वक्फ को दी गई संपत्ति कोई भी मुसलमान दोबारा वापस नहीं ले सकता, ये नियम है। तो अब तक गुजरे जमाने से जब तक इस्लाम बना और जब तक भारत में आया, जो भी मुसलमान ने किसी ने अगर एक कट्ठे 1,000 रुपये दिए हैं वक्फ को तो वो वक्फ की संपत्ति है, उसे वापस नहीं किया जा सकता। इस देश में राजा महाराजे ने संपत्ति दे दी वक्फ को, अंग्रेजों के जमाने में भी वक्फ को संपत्ति मिली, और जब देश आजाद हुआ तो एक खेला हुआ।
खेला ये कि जो पाकिस्तान से जो हिंदू आए थे भारत में, उनकी संपत्ति पर तो पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया, लेकिन यहां से जो मुसलमान गए पाकिस्तान में, उनकी संपत्तियों के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इनकी संपत्तियां वक्फ के अधीन रहेगी, उस पर कोई दूसरा कब्जा नहीं कर सकता। अचानक सैकड़ों हजारों एकड़ की जमीन वक्फ को मिली। संतोष यहां भी नहीं हुआ। 1995 में एक एक्ट बना कि संपत्ति हमारी इतनी है कि अब एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड से काम नहीं चल पा रहा, हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए गए। उससे भी संतोष नहीं हुआ तो शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड बनाए गए अलग अलग। कब्जा करो, जितनी मर्जी कब्जा करो, सरकार आपके साथ है, लेकिन अब वो चलेगा नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने वक्फ की संपत्तियों के जांच के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि आपने कितना टैक्स भरा वो भी बताओ, आपके वक्फ के जो संपत्तियों पर किराया कितना वसूल हो रहा है वो बताओ, हिसाब किताब तो देना पड़ेगा भाई साहब। अब राज्यसभा में एक बिल पेश हुआ है, प्राइवेट मेंबर बिल, हरनाथ सिंह यादव ने। उन्होंने कहा है ये बिल्कुल गैर कानूनी है, भेदभाव से पूर्ण है, ये इसमें बदलाव होना चाहिए। तमिलनाडु में 8-9 गांव हैं। अचानक वहां एक शख्स है, वो गई अपने खेत को बेचने, बेटी की शादी करनी थी, रजिस्ट्रार ऑफिस में गए तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने बताया कि आपकी संपत्ति तो आपकी है ही नहीं, ये तो वक्फ की संपत्ति है। थोड़ा और उन्होंने पता लगाया तो पता चला कि सिर्फ उनकी नहीं, पूरा का पूरा गांव वक्फ की संपत्ति है, यहां तक कि 1500 साल पुराना मंदिर भी वक्फ की संपत्ति है। और पता लगाया, बोला कि सिर्फ इनका ही नहीं, 8-9-10 गांव हैं वो वक्फ की संपत्ति है। और क्यों है? क्योंकि वक्फ ने दावा कर दिया कि ये उनकी संपत्ति है। वो कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा कि यहां तो सुनवाई नहीं होगी आपकी, वो तो स्पेशल ट्रिब्यूनल में होता है, से एक काम कीजिए आप चेन्नई चले जाइए, वहां वक्फ के पास एक अपील दायर कीजिए कि हो सकता है वो दया करके आपकी संपत्ति छोड़ दें। ऐसा हुआ नहीं, वो लड़ते रहे, कोर्ट कानून के चक्कर में उलझे रहे, बेटी की शादी तो नहीं हो सकी, सिसक कर रह गया वो शख्स। 85 साल के उम्र के हो चुके हैं राजकुमार, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कर सके। वो देखते हैं कि सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम में बदलाव का जो संशोधन है वो पेश तो कर दिया है हरनाथ यादव ने, लेकिन आगे क्या होता है, क्योंकि जिस देश में सबको समान अधिकार हो वहां किसी एक धर्म की संस्था को किसी के जमीन और मकान पर कब्जा करने की अनुमति मिल जाए, ये तो गलत है। नमस्कार।